सिंह भी थी, चट्टान थी, चट्टान भी चट्टान नहीं होगी, वो नहीं होगा, नहीं वो आज ये मेरे ख्याल में 1500-2000 साल ये कब का ही पता है ना। एक बात हो रही थी, इमारत रही देखो, मैं ये यहाँ से छोटे से बात कर रहा था, ठीक है, मैंने देखा ये भी चमत्कार से काम है, ये कितनी बड़ी चट्टान है पूरे आप इसमें देखो ना, कहीं से भी कितनी बड़ी चट्टान है। देखिए ये जिस जगह पे हम खड़े हैं, इस जगह का नाम है उजान कसिया। आज हम उस जगह पे खड़े हैं जो जगह दरिया के बीचों बीच में है, और जो आप जैसे कि देख सकते हैं मेरे पीछे एक स्टोन है, हॉट रॉक है, और इस पर कुछ स्क्रिप्चर्स हैं कुछ यहाँ पे। तो ये स्क्रिप्चर्स जो ये हॉट रॉक है, ये एक साल में मेरे ख्याल से 11 महीने साल में ये पानी के नीचे होती है, और साल में दो चार दिन ऐसे होते हैं जब गर्मी पीक पे होती है और पानी का जो डाइवर्जन जो होता है उस टाइम पे ये जो मूर्ति के शक्ल में जो हैं ये हमें बिल्कुल सामने आती हैं। तो ये हमें लगा आज के ये जो पीछे जो स्क्रिप्चर्स आप देख रहे हैं कि ये किसी हद तक महकमा जो टूरिज्म है और जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उसके सामने लाए जाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारा ये उजान एरिया है ये उस हद तक डेवलप नहीं हुआ, तो हम चाहते हैं कि ये देख के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंचे और इस जगह को ज़्यादा से लोग देखने के लिए आएँ, ताकि ये जगह किसी न किसी जगह पर मैप में आए। देखिए इस वक्त हम उजान के कसियां गांव में हैं, और यहाँ पे एक काफ़ी अचंभित सा एक जो आज हमें एक मंज़र देखने को मिल रहा है कि एक जलमग्न जो हमें कुछ पिंडियों के रूप में एक आप मंदिर कह लीजिए, जो कि एक साल में अपना ज़्यादातर जो समय है कम से कम 10-11 महीने वो जलमग्न रहता है, यानी कि पानी के नीचे रहता है, और बाकी का जो समय है उसमें ये जल के नीचे ही रहता है, जल के नीचे रहता। आप देखिएगा कि मेरे सामने आप पीछे देख सकते हैं कि जो यहाँ पे अभी इसके ऊपर रिसर्च बाकी होगी, जो हमारा यहाँ पे आने से पहले हमें लग रहा था कि शायद ये शिवलिंग है, आप ये जो तीन देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आके हमें ये थोड़ा सा जो हमने जो इसके ऊपर हल्का सा जो स्टडी किया, अभी इसके ऊपर मज़ीद जो है वो तफसीलात जो इसके ऊपर स्टडी जो है वो आने वाले मुस्तकबिल में आने वाले दिनों में जो है वो देखने को मिलेगी। अब थोड़ा सा जो हमें ये लग रहा है कि जो तीन शिवलिंग हैं वो इकट्ठे तीन शिवलिंग, थोड़ा सा उसमें हमें थोड़ा सा भ्रम लग रहा है मे भी कि शायद ये तीन शिवलिंग ना हो, और जो इनका आकार है जो इनका रूप है वो हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये वैष्णो देवी की तीन पिंडियां, यानी कि माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ काली का रूप भी हो सकता है, और साथ में जो एक जो मूर्त है उस मूर्त के ऊपर अभी कुछ खास कहा नहीं जा सकता। अब जैसे जैसे आगे इसके ऊपर और मज़ीद स्टडी होगी तो वो उसके ऊपर जो है वो और रोशनी जो है वो डाली जाएगी। नमस्कार, मुझे आज ही पता चला कि यहाँ पर कुछ अपना उज्जैन और फतेहपुर के पास में ना एक दरिया के बीचों बीच में कोई एक मूर्ति सी जो है देखी, तो मुझे फ़ोन आया विशाल जी को, तो हम मिस्टर सुनील बारगोई के साथ उनके साथ आ गए यहाँ पर देखने के लिए, और यहाँ पर देखने से हमें ये पता चला कि ये वो पिंडी रूप हमें नज़र आ रही हैं, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा माता का, तो काली माता को, और साथ में जो एक वो है उनके साथ लगता है जैसे कोई अंग रक्षक, वो हम उसके बारे में कुछ बता नहीं सकते। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इन जो यहाँ के जो लोकल हैं शहबाज सामने उन्होंने इनिशिएटिव लिया और हम यहाँ पर पहुँचे हैं, तो ये आपके सामने है जो भी है, और इसका हम चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की नज़र में आए, टूरिज़्म की नज़र में आए, ताकि जितना भी हो सके वो इसके लिए उसका खोज करें और उसके लिए जितना भी हो सके वो इसको डेवलप करें। धन्यवाद। पीर पंचाल को ऋषि मुनियों की व पीर फकीरों की धरती कहा गया,
और यहाँ हर एक जगह पर आपको किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले वो ऋषि मुनि, पीर फ़कीर और साधु संत, उन लोगों की जगहें मिल जाएंगी जहाँ आज भी लाखों की तादाद में अकीदतमंद पहुँचते हैं। और आए दिन इस खत्े में ऐसे चमत्कार होते हैं जो कि हर किसी को अचंभे में डालते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजौरी से दरहाल सड़क पर उजान कसिया के मकाम पर, जो दरअसल फ़तेहपुर और उजान की बिल्कुल सरहद है और इस जगह को कसिया कहा जाता है। और जिस जगह पे मैं बैठा हुआ हूँ, ये दरहाली दरिया के बीचों बीच एक जगह है। मेरे चारों तरफ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चारों तरफ दरिया है और सिर्फ ये जगह इन एक डेढ़ महीने के लिए पानी से खाली रहती है, क्योंकि गर्मियों के मौसम में इस दरिया के अंदर पानी की मकदार जो है वो कुछ कम होती है। नहीं तो तकरीबन 10.5 महीने या साल के 11 महीनों तक ये जगह पूरी तरह से पानी से भरी रहती है, क्योंकि दरहाली दरिया अपने आप में पानी की ज़्यादा मकदार वाला दरिया माना जाता है। और यहाँ आप जो ठीक मेरे पीछे ये एक बड़े से सख्त पत्थर के ऊपर कुछ नक्काशी देख पा रहे हैं, ये माना जा रहा है कि ये कई सौ साल या शायद ना जाने कितनी सदियों पुरानी, कितनी दहाइयों पुरानी हिंदू देवी देवताओं की कोई जगह है और इसे एक मंदिर माना जा रहा है। और इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि साल के तकरीबन 11 महीने ये मंदिर पानी के नीचे रहता है, जल से सराबोर रहता है, जल मगन रहता है, जिसकी हिंदू मज़हब में काफ़ी मान्यता है, अहमियत है। और हम जब भी किसी देवी देवता के स्थान पे जाते हैं तो वहाँ हम सबसे पहले साफ़ पानी चढ़ाते हैं, और दरहाली दरिया का ये पहाड़ों के बीच से निकल रहा पानी भी पूरी तरह से साफ़ है। तो इसलिए इस मंदिर की ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि 11 महीने तकरीबन ये मंदिर जलमग्न रहता है। और महज ये जो 20-25 दिन या एक महीने का वक्त है जब गर्मी कुछ तेज़ होती है और दरिया का पानी कुछ कम, तो ये मूर्तियाँ, ये मंदिर हमारे सामने आता है। हालाँकि इस पर कोई ज़्यादा अभी बात नहीं हो पाई है कि इस मंदिर के अंदर ये जो आप मेरे पीछे तीन पिंडियाँ देख पा रहे हैं और एक मूर्ति है, ये किस देवी देवता की हो सकती है, ये किसने बनाई है, लेकिन हर कोई इसको देख कर अचंभे में है और सब ये मान रहे हैं कि ये बेहद अहमियत वाली एक मजहबी जगह है। और लोगों ने यही अपील की है कि जल्द से जल्द जो मुतलका सरकारी अमला है, चाहे वो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है या फिर जो दीगर मुतलका महकमा जात हैं, वो यहाँ पहुँच कर इस जगह पर जांच पड़ताल करें और ये बताएं लोगों को कि ये जगह कितनी पुरानी हो सकती है, किसने बनाई हो सकती है, और यहाँ ये जो आप पिंडियाँ देख पा रहे हैं, ये जो मूर्तियाँ देख पा रहे हैं, ये किस देवी देवता की हैं, और उसके बाद इस जगह को टूरिज़्म के नक्शे पर लाया जाए और ये अपने आप में मुल्क का एक बेहद अहम माना जाने वाला जलमग्न मंदिर बन सकता है अगर इसे सही ढंग से टूरिज़्म के नक्शे पर लाया जाए। राजौरी के कसिया इलाका से अमित भार्गव। ये जो पहाड़ है ना, आपको ये जो बाहर दिख रहे हैं, बाहर तो इनकी सिर्फ गर्दन है, ये इसके 10 टाइम 100 टाइम नीचे होती है।